अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम الذي باركنا له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم एक दो मरतबा दुरूशी पढ़ लो सलात व सलाम सब पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह सलात व सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी और कलीमुल्लाह को यदे बैजा की नेमत बख्शी इब्ने मरियम मसीहाई की दौलत बख्शी
इब्ने मरियम को मसीहाई की दौलत बख्शी, अपने महबूब को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी, अपने महबूब महबूब को अपने महबूब को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। नहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात उस्ताद उलामा फखरे अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत हजरत अलामा पीर मोहम्मद सजाद साहब सैफी, बहुत ही मोहतरम हाजरीनो सामईन, इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम दे मेराज शरीफ दे अनवान ते बड़ी अकीदत और मुहब्बत दे नाल हाफज मुजम्मल साहेब उन्हां दे रफ़का साथी जिन्ना एहतमाम कीता है, तुसी हज़रात अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र पाक सुनन वास्ते आए हो। अल्लाह पाक हजरत दी उम्र अंदर, इलम अंदर, दीन दी खिदमत अंदर, तदरीस अंदर, फैजान अंदर बरकत अता फरमाए। उलमाए हक नूं अल्लाह पाक ज्यादा बरकतां नाल और नवाजे। अल्लाह सब दा आना कबूल फरमा के सारे दे घर अंदर, उम्र अंदर, रिजक अंदर, नेकी अंदर अल्लाह पाक मजीद बरकतां अता फरमा। उलमा भी तशरीफ फरमा ने, खतीब भी तशरीफ फरमा ने, ये मेरे नालों बेहतर समझते ने क्योंकि नाल आलम भी ने, मैं सिर्फ वाइज हाँ कि मेराज शरीफ एक महफल च बयान करना तो हर बंदा कासिर। अगर लफ्ज़े मेराज ते गुफ्तगू की जाए ये अलहदा मौजू है, अगर माने के लिहाज नाल सरकार का अरूज बयान किया जाए तो अलहदा मौजू है, अगर फलसफा मेराज बयान किया जाए तो भावें तीन रात जलसा कराओ ये बड़ा लंबा मौजू है जी। और अगर ऐ मुबारका की तफसीर की जाए तो ये कई मजमून ने, हर एक बयान करा ये मेरे बस की बात नहीं, मेरा इत्थे बैठिया मैं फैसला किया है क्योंकि मेराज मौजज़ा भी है। इत्थों मैं गुफ्तगू का आगाज करांगा जिन्नी मेरे अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, हजूर का सदका उन्ना बयान हो जाएगा। आप हजरात की खिदमत मैरज करांगा, बिस्तर छोड़ के आए हो, गुफ्तगू वल तवज्जो करिया। हुण मैं इत्थों शुरू कर लगा कि मेराज मेरे आका दा एक मौजज़ा है। हुण तुसां सारेयां बोलना है मेराज मेरे आका दा एक मौजज़ा है। इत्थे पहली मैं गुजारिश जिहड़ी गल तुहानूं समझाना चाहना ओह इह है, बस इह रखना इह एक मौजज़ा है। मौजज़ाते मुस्तफा की हद नहीं है, ये
हजूर दा एक मौजज़ा है, एक लख ते कई हजार शाना वाले नबी ते रसूल मौजज़े लेके आए ने। जिन्नी मैं रिसर्च की है किसी को एक मौजज़ा, चार मौजज़े, दस मौजज़े, वी की तक में पढ़े ने। मुख्तसर यह है कि हर नबी शान वाला मौजज़े लेके आया, बुरहान मिन रब्बिकुम, हजूर मौजज़े लेके नहीं आए, मौजज़ा बन के आए ने। सरकार दा हर अमल मौजज़ा है, और कदमा पाकां दियां नाखना मुबारकां तो लग के वल्लै ज़ुल्फ़ दी चोटी तक हजूर सरापा ही मौजज़ा ने। मेराज ते सिर्फ एक मौजज़ा है। अजे मैं मौजज़े की तारीफ नहीं करनी, बस एक गल कह देना, जिदा एक मौजज़ा मेराज उस ज्यादा की मुकाम होगा। जिदा एक मौजज़ा मेराज ओदी ज्यादा मकाम की होगा, ज्यादा मकाम सवाए खुदा तो कोई नहीं जानता। साबियां भी छोड़ो, सदीक अकबर की बात नहीं करता, आपने फरमाया तो है सदीक मेरी हकीकत नू तू नहीं जानता। सरकार दियां हद्दां नू कोई नबी ते रसूल भी नहीं जानता, बड़ी दूर तक जान वाला सैयदुल मलाइका हजूर दियां हद्दां ते शानां नू ओ भी नहीं जानता। उन्नू भी सिदरा तक का पता है, ते जिन्हों सिदरा वाला नहीं जानता, हुजरे वाला जे फीता फड़ के बैठा ते चवला ही मार दे। खत्म होती हैं जहां मंजिले जबरीली अमीन, उस जगह से तेरा आगाज हुआ आज की। अफसोस का मकाम है, गल ओदी करी दी है जिदा पता हो, गल उथे करी दी है जिहड़ी इलम च होवे, गल उथे करी दी है जिहड़ी रिसर्च के मुताबिक होवे। ए उलमा बैठे ने, हर मुसलमान मेरी तईद करेगा, हजूर का मकाम इलम तो बाहर है, रिसर्च तो बाहर है, सोच तो बाहर है, परवाह तो बाहर है, तखयल ते तसव्वुर तो भी बाहर है। जिदा एक मौजज़ा नहीं तू समझ सकता, ओदी जात ते बहस करना गुमराही है, हमाकत है, बदबख्ती ते बदनसीबी है। ये लिप्तर खाण वालियां गल्लां ने, तू कौन है? हजूर दी जात ते बहस करन वाला ओदियां हद्दां नूं ते सिदरा वाला जबरील नहीं जानदा, हुजरे वाला की बयान करेगा? गौर ना सुनो मेरी गल, गौर ना, शेर जोक वास्ते पढ़ी दे, फितनियां दा दौर है, तकीरां गौर ना सुनिया करो। चार किताबां पढ़ के कई लोगां घर भी रखी ने, वो आंदे ने असीं भी आ लईआं, जिन्हां नूं असूल कानून का पता ही नहीं होंदा, फलाने किताब च लिखिया, वो पता नहीं किन्नी लिखी है किताब। कोई मुसलमान अहले सुन्नत व जमात तो अलावा जिन्ने भी ग्रोह ते फिरके ने, उन्हें पुछो सिदरा तो अगे जबरील अलैहि सलाम नूं पता है? बोलो पता है? ते सैयदुल मलाइका कुतबे जनूबी जान वाला, कुतबे शमाली जान वाला, मशरक दियां बुलंदियां जान वाला, मगरब दियां बुलंदियां जान वाला, हर नबी ते रसूल दे कोल आउण वाला, सरकार दी बारगाह च बार बार आउण वाला, सिदरा ते जाके कहंदा मेरी हद आ गई है, जबरील दी ते हद आ गई, तेनू किवें पता ला फीता लैके बैठे, इंज नहीं ते इंज नहीं। ईमान बचाओ, इक्को अकीदा रखो, बादस खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर, सोनिया शाना देण वाला जाने या शाना लैण वाला।
मोहतरम हजरात, कोई किताब पढ़ो जिदे च हजूर की शान लिखी हो, किसी हवाले नाल ये कह सकते हो, तवज्जो करना, ये कह सकते हो कई बड़ी सोहनी किताब है, इत्थे हजूर की शान बयान हुई है। इल्मे मुस्तफा, इख्तियारात मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, सूरत मुस्तफा, कमालात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी सोहनी लिखी है किसे। सुभान अल्लाह, जे कोई तकरीर सुनो हजूर की शान बयान करे सुभान अल्लाह, मगर एक मत किया जे ये मौलवी बयान करने वाले भावे मैं होवां, इन्हें हक अदा कर छड़िया बयान करन दा, इन्हें लिखने अदा कर छड़िया नहीं। जिन्ना कोई जानता है उन्ना लिख लेंदा है, जिन्ना कोई पढ़ता है उन्ना बयान कर देंदा है। हजूर दी हकीकत नूं ते सदीक अकबर नहीं जानते, हजूर दी हकीकत नूं ते नबी ते रसूल नहीं जानते, सैयदुल मलाइका भी नहीं जानते। अल्लाह की कसम, हजूर दियां ओ शानां ने या खुदा जानता है या मुस्तफा की जात जान रही है। दास्ताने हुसन, दास्ताने हुसन जब फैली तो लामहदूद थी, जब सिमटी तो रसूल पाक होकर आखिर रजा ने खत्म सुकून इस पे कर दिया, खालक का बंदा खलक का आका कहा। ये तो बात की कह सकते हो, एज ए मिसाल एज ए दलील एक बात करना, एक ऐत पढ़ के कुरान च मौजूद है, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब अनायती कबही कबला अय्यर तदाई लैका तरफ। सुलेमान अलैहिस्सलाम दा उम्मती है, शाम च खलोते ने, मलका दा तख्त यमन दे आखरी कोने ते ले। ए रवायत नहीं जिन्हों कोई ज़ईफ कह दे, कोई तारीख दा वाला नहीं, कुरान है वल्लज़ी जा बिसिदक ला रहे बाफी। सुनो, एक नबी दा उम्मती कह रहा है, तवज्जो है मेरे अल, मैं ले उन्ना तख्त किन्नी देर अख चमकण तो पहला, ये ज़ेन हज़रत गल करा, ए उस्ताद उलमा बैठे ने किसी शिगिर्द नूं कहण जाओ जग पढ़ लिया, जिन्हों पता होगा जग लैन तुर पवेगा, जिन्हों नहीं पता ये फरमाउणगे जग लिया, पुछेगा उस्ताद जी जग कित्थे वे ते की हो जाए। कोई दुनिया का आलिम साबित कर सकता है कि मौलाना आसिम बिन बरखिया ने पूछिए कि हज़रत जी ये दसो तख्त किड्डा कु है ते किड्डा कु चौड़ा है ते कित्थे पिया है, फिर मैं हिसाब ला के दसना। पुछया भी नहीं, अख चमकण तो पहला तख्त भी आया है। म्याणे ते साइंसदान जिनी भी तरक्की कर लैन पागल हो जाएंगे, ये समझ नहीं आनी अख चमकण तो पहला तख्त किवें होया, ये किवें आ गया है। ये एक नबी दे उम्मती दा मकाम है, मैं ते नबियां दे भी नबी दी गल पिया करना। कोई नबी किसे नबी वास्ते नबी बन के नहीं आया, कोई रसूल किसे रसूल वास्ते रसूल बन के नहीं आया। तेरे ते मेरे आका ओ ने जिहड़े नबियां दे नबी ते रसूलां दे रसूल बन के आए। अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा दी चिरे वालिया, आमीन दिया उंडलां वालिया, यासीन दिया सिरियां वालिया, ऐलान कर दे कुलिया अय्युहन्नासो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। बल्कि फरमाया मैं रब्बुल आलमीन, ये जड़ा मेरा महबूब है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक
हजूर रहमत ने इंज कह लो जिथू तक खुदाई है उथों तक मुस्तफाई। मेरे आला दे तदीम बरकत मुजद्दद दे दीन मिल्लत इमाम मौलाना शामदल्ला ताजर बरेली रहमतुल्लाह फरमांदे ने फर्शवाले तेरी शौकत का आलू क्या जाने जाने फर्श वाले तेरी शौकत का अनुभव क्या जाने पुरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा बोलो कुछ समझ आ रही तो सुभान अल्लाह कह दे जी। कदी किसे हजूर की जात से बहस न करया किसे मौलवी के नेड़े ना जाया जेड़ा हजूर की जात से बहस पिया कर रहा है। ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੇ ਬਾਦ ਅਸ ਖੁਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਬੁਰਹਾਨ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕੁਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੌਜਜ਼ਾ जे जेन हाजरे चे ये बयान करा जात मौजज़ा क्यों है बेहतर अल्लाह रसूल जानते ने जो बुजुर्गों ने वजात की है। एक लख कई हजार नबी ते रसूल आए ते गए तवज्जो रखिया जे जात मौजज़ा आए ते गए आए ते गए कुछ थोड़े वक्त वास्ते कुछ ज्यादा वक्त वास्ते नबी आए ते गए कलमा मनसूख हुंदा रहा नबी आउंदे रहे जांदे रहे। गुजरां वाले दे मुसलमानों याद रख्या जे हजूर आए ने गए नहीं। हकीम उल उम्मत साहब दे तफसीर नईवी रहमतुल्लाह अलैह किसे बंदे पुछिया हजूर हजूर दे जमाने च चीज है सी ते आपने फरमाया पुत्र ये जमाना तेरे अब्बा जी दा ये कलमा मनसूख है इस वास्ते क्योंकि सुनो क्यों नबूवत गालब रही है नबूवत गालब है वे नबूवत गालब रहनी है। फिर सुनो नबूवत गालब रही ध्यान रखा जे गालब रही है गालब है वे क़यामत तक गालब ये सादा जिहा तर्जमा है वे रब नू वार ही नहीं खांदा को मेरे नबी नालों उच्चा दिसे समझ रहे हो जनाब। बड़े बड़े फनकार दुनिया ते आए एडिया एडिया मूर्तियां बनानिया इंसानां दियां परिंदियां दियां पत्थर चोटनी पैदा हो गई नबूवत गालब तोड़ पेश ना कर सके जी। बड़े जादूगर आए रस्सियां दे सब बना लाए सब छोटा सब बन गया नबूवत गालब नबूवत गालब। बड़े बड़े हकीम ते तबीब आए जाली नूस खांदे ना जवारे जाली नूस ईसा ईसा अलैहिस्सलाम दे दौर दा
ਇਹ ਜਾਲੀ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਏਗਾ ਤੇ ਕੋੜੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਬਣਾਓ, ਨਬੂਵਤ ਗਾਲਬ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਫਰ ਏ, ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਫਰ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ, ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਬੜੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗੀ ਕਿ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਲਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਲਵੇ। ਬੜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੰਡੀ ਹਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਸਤਰਾ ਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂ। ਨਬੂਵਤ ਗਾਲਬ ਏ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਮੇਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਲਮਾ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੌਜਜ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਆਜਿਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ। ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਜਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਦੁੱਧ 70 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਜਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ 21 ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਮਣ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ 21 ਦੀਆਂ 21 ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਦਰਖਤ ਟੁਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੌਜਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਾਰ ਫਰਮਾਏ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਕਾਰ ਫਰਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਕੁਛ ਅਲਫਾਜ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੂਫੇ ਮੁਕੱਤਾਤ। ਉਹਦਾ ਮਾਨਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਹਾਮੀਮ ਯਾਸੀਨ। ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਵਾ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੋਹ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਨੇਗਾ ਹਾਮੀਮ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਿਫਤੇ, ਯਾਸੀਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਿਫਤੇ, ਹਾਮੀਮ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਿਫਤੇ, ਯਾਸੀਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਿਫਤੇ। ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰ ਫਰਮਾ ਕੁਦਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ। ਬਗੈਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਆਦਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਉਂਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖ਼ਤ ਆਏ ਤੇ ਕਰਾਮਤ ਹੈ। ਮੌਜਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰ ਫਰਮਾ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕਰਾਮਤ ਵੀ ਕਾਰ ਫਰਮਾ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੂਧ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਈ, ਜੰਮ ਗਿਆ, ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਹੀਂ। ਅਸਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਦਹੀਂ। ਫਿਰ ਚਾਟੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕਿਆ,
शक्ल बदल गई लस्सी, फिर शक्ल बदली के घी मक्खन, फिर शक्ल बदली के घ्यो, घी का भी असल दूध है, मक्खन का भी असल दूध है, लस्सी का भी असल दूध है, दही का असल भी दूध है, असल दूध ही है, असल दूध ही है, मक्खन का इनकार भी दूध का इनकार है, दही का इनकार भी दूध का इनकार है, घी का इनकार भी दूध का इनकार है, कुदरत व्यक्त है, मौजे भी कार फरमा कुदरत है, करामत भी कार फरमा कुदरत है, मौजे का इनकार भी कुदरत का इनकार है, करामत का इनकार भी कुदरत का इनकार है। माजी समझ आ रही है? तो मैरज कर रहे हैं, मेराज एक मौजज़ा, मेराज एक मौजज़ा, मौजज़ा होवे जिहड़ा अकल नूं आजिज़ कर दे। पता लगा हजूर दी जात ते बहस करना गुमराही है, क्योंकि हजूर दी जात मौजज़ा है, हजूर दी जात मौजज़ा है। शाना ते ईमान रखो, मुनादरे ना करो, झगड़े ना करो, इंज नहीं इंज, तू कौन है मैं कौन आ, अल्लाह जाने ते अल्लाह दा महबूब जाने, शाना देण वाला जाने या शाना लैण वाला जाने। फराइज़ पूरे करो, दुरूशी पढ़िया करो, हजूर दियां शाना सुनिया करो ते बयान करिया करो। हजूर दी जात ते बहस करना गुमराही है, हजूर दी जात ते मुनाज़रे करना गुमराही है। बस इको ही अकीदा रखो, बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, खुदा तो बाद पूरी खुदाई मेरे महबूब दा सानी ते मिसलो मिसाल है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं। हुण ऐतवा लाओ जरा, चलो एक दो गल कर ही देना, माने दे लिया आदन एक, इहदा मन है अरूज, बुलंदी। सिर्फ इशारा करांगा, मजू नहीं देवांगा। छब्बियां दिन ते सताई दी रात, अल्लाह पाक ने सरकार नूं इन्ना अरूज अता फरमाया, इन्ना अरूज अता फरमाया, इन्ना अरूज अता फरमाया कि रब दा अरश भी थले सी, पूरी खुदाई थले सी, सरकार दे कदम उच्चे सन, सरकार दे कदम उच्चे सन, ते जिहदियां कदमां तक कोई नहीं पहुंच सकदा, उहदी जात तक कौन पहुंचेगा। वही दा फर्क कित्थों आ गया जी? वही दी फर्क है, वही दा फर्क है, यह गुमराही है, ये झूठ है। चलो एक गल कर ही देना, करना तुसीं चाहुंदा है, बैठे ने इस वक्त करन लगा। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमन दी मिराज, नमाज नीतो तुसीं इत्थे ते पढ़दे पढ़दे छत टुर जांदे हो, ये मिराज दी रूह है जो मैं बयान कर लगा। जे सिर्फ रूज माना नहीं है ते अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन दा की माना है? कि नमाज मोमन दी मेराज है, वो किताबां पढ़ो भी समझ आ जाती है, ये नसीब चंगे होण ते। मौला मुश्किल कुशा, चलो इन्हीं गल कर दईए, तेरा रजब लंघ गया। मौला मुश्किल कुशा, शेरे खुदा, हल अता मलूदे काबा, म्याणेओ मलूदे काबा, मलूदे काबा, परवुर्दा अगोशे नबूवत, अनफुसना अनफुसकुम, जाने मुस्तफा, सैयद लौलिया, इमाम लौलिया, हल अता शेरे खुदा, अस्तुल्ला युदुल्ला हैदरे करा। सिर्फ इन गल करांगा, अहले सुन्नत दा अकीदा है, मौला अली दी मुहब्बत फर्ज दा दर्जा रखदी है, सैयदा सलामुल्लाह अलैहि दी गुलामी फर्ज दा दर्जा रख दी है, हसनैन करीमैन दी मुहब्बत फर्ज दा दर्जा रख दी है, इल्लल मवद्दत फिल कुरबा अजर नहीं, उम्मत दी जरूरत है। शायद तैनूं सारे नूं समझ नहीं आई, इस तो बगैर गुजारा नहीं,
एक शेर पढ़ लगा जी, जिदा मुर्शद अली लजपाल नहीं, जिदा मुर्शद अली लजपाल नहीं। मौला अली का जिक्र इबादत है, जेड़ा मनन वाला पढ़ ले, मौलवी सारे पढ़ लो। जिदा मुर्शद अली सरकार नहीं, जिदा मुर्शद ओ नहीं नहीं, जिदा मुर्शद अली सरकार नहीं, जिदा मुर्शद अली सरकार पढ़ो, जिदा मुर्शद अली सरकार नहीं, जिदा मुर्शद अली सरकार नहीं, ओ नहीं मुर्शद अली सरकार नहीं, ओ जन्नत दा हक दा नहीं, मारो नारा अली दा अली दा, बोलो नारा अली दा अली दा, बोलो नारा अली दा, अली 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 दा, बोलो नारा अली दा। जिदा नहीं दिल करदा ना बोले, जिन्हू अली नाल जिदा कोई तलक नहीं ओ ना बोले, जेड़े मनदे ओ बोलो बोलो नारा, बोलो नारा अली दा। जिदा मुर्शद अली सरकार नहीं, जिदा मुर्शद नहीं, जिदा मुर्शद अली अली अली, जिदा मुर्शद अली। अच्छा जे मेरे आखे पढ़ना तो कोई भी ना पढ़ो, मैं कल्ला पढ़ लांगा, मेरे बाप का नाम है मैं पढ़ लांगा, जे तुहाडा नहीं तलक ते ना पढ़ो। जिदा मुर्शद अली ना पिया, जेड़े खुश नसीब केड़े ने ते बद नसीब केड़े ने, जेड़ा जिदा मुर्शद अली, ओ जिदा मुर्शद अली, ओ नहीं नहीं, मुर्शद अली सरकार नहीं, ओ जन्नत दा हकदार नहीं, ओ जन्नत दा हकदार नहीं, बोलो नारा जेड़े बोल देखो ओली दा, बल्कि हाथ चुक के ना लेना मौला अली दा नूर दी सुन्नत है, बोलो नारा बोलो नारा अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान करामी फिदा बना मे अली, बोलो नारा
बोलो नारा अली दाए बोलो नारा ये राजू यारा यार नहीं जेड़ा जो यारादा यार नहीं ओदा बेड़ा होना पार नहीं बोलो नारा अलीदा बोलो नारा अलीदा अली 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 दा बोलो ना ऊंचा बोलो हाथ चुके पूरा ठहरो 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 वो जेड़े डकदे सन ना हुण क्यों भी कर दे जे हैदर करो हैदर हाँ चुके किसे पूछे अली अस्सलात मेरा दिल मोमिनीन किसे पूछे अली कदी रब वेखे ही मौला अली ने फरमाया जो मैं सर सजदे च रखना उन्ना चिर चुकदा नहीं जिन्न चिर जलवा वेख नहीं लैंदा अस्सलात अल्लाह करे सानू भी है जी नमाजा अही तो टक्कर मारन उन्हें सौदा तो हिसाब कर लिया ना दुनिया सोच ली ना नमाज पढ़ ली जी ऐसा है ये मनना पैना साढ़े कमियां हैं जी मिराज उस वक्त को कहते हैं मिराज उस घड़ी को कहते हैं मिराज उस लम्हे को कहते हैं जब सामने कुछ ना हो सिर्फ जलवाए खुदा हो और कुछ याद भी ना हो चंद लोग लफ्ज़ समझते ने बाकी सुभान अल्लाह की जो मेराज उस वक्त को कहते हैं मेराज उस घड़ी को कहते हैं मेराज उस लम्हे को कहते हैं जब सामने कुछ ना हो जलवाए खुदा हो और कुछ याद भी ना हो कुछ याद भी ना हो वक्त आया रब्बना ज़लमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन सवाए उहदे कोई याद नहीं वक्त आया आरा चलदा पिया सवाए उहदे कुछ याद नहीं बिछड़ी दा पेट है ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंत मिनज़ ज़ालिमीन सवाए उहदे कुछ याद नहीं वक्त आया सवाए उहदे कुछ याद नहीं अग दा अग है सवाए उहदे कुछ याद नहीं मुख्तसर गले ते छुली है सवाए उहदे कुछ याद नहीं चौथा आसमान है सवाए उहदे कुछ याद नहीं मिन हो मन कल्ला मल्ला हो गल्ला ते कितियां ने बाकी कुछ याद नहीं बाकी कुछ याद नहीं एक वेला आया उदो मैं उदे जलवे च गुम सा जलवे च गुम सा पर सदके जावा सुनिया जो तेरे ते वेरा आला आया तवज्जो करो मा जागल बसरो व मा तगा वेंदे भी रहे ते उम्मत वी उथे याद रखिया
सरकार ने उम्मत याद रखे जी। मेराज उस वक्त को कहते हैं, थोड़ा जा बयान करा नहीं, चंद बंदे सुन दे पे, दूजे तीन जी बैठे जी अमानत रख के सुने, दो त्रे मौलवियां मर्जी करो, मैं तो जिक्र करना ही करना, बोलोगे तो तुम्हें भी सवाब हो जाएगा। कई वो मौली बोलना भी आप ही तो समझते, तवज्जो है मेरे वाल। सुनो मेरा आज इस वक्त कहते हैं, सुनिए। चलदियां 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 मकामे सिदरतुल मुंतहा, बड़ी तवज्जो ना सुनो, केड़ा मकाम, केड़ा मकाम, मुंतहा, इंतहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे शान मुस्तफा, जिंदाबाद, मकाम मुस्तफा, जिंदाबाद, आका पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब, तवज्जो है ना। अर्ज करदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए इंतहा है। फरमाया मैं ते दो अगे जाना है। अमीर अल वेखो फिर समझ आई, सुनया इदों गा, फरमाया तेनू दसिया नहीं इदों भी हैगा, सुनया इंतहा है। फरमाया जबरील तेरी है ना, ये मकाम है वह छेड़ लिया है, तो एक दो बंदिया की वजह तो छेड़िया है, यह आवाज मुजम्मल मुहब्बत वाला बंदा है, चलो ये उस्ताद उल उलमा ते अच्छा मिले, वरना मैं ये मजूम पब्लिक च बयान नहीं करता। हूँ अदर जी मैं उन्ना बयान करना जिन्ना मुनासिब, क्योंकि ये खासा दी आमा अगे मैं जिनी मुनासिब है उन्हीं की करनी है, मतलब तक तुहाडे दिल च ख्याल आ रहे आवाज उमर मुजम्मल इशार इतने यह करना, वह पब्लिक च नहीं करना, वह जान के छड़ देना। फरमाया जबरील तेरी इंतहा है ना, तू तो आके अस मेरे जद्दे अमजद इब्राहिम अलैहि सलाम ने मैं उत्थे जा सकना जिथे कोई नहीं जा सकता, तू हुण रुक गया हुजूर, मेरी हद इत्थों तक की है। फरमाया फिर उत्थे अज मैं चलिया जिथे तू भी नहीं जा सकता, तू जो अल्लाह का महबूब हुआ ए मेरे आका मदनी, सुनिया तू जो अल्लाह का महबूब हुआ खू, मकां के मकी हुए सरे अर्श तक से नसी हुए, हद नहीं, ये नबी हैं जिसके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, तू जो अल्लाह का महबूब हुआ खूबू हुआ, महबूब हुआ खूब हुआ या नबी, खूब हुआ खूब हुआ। एक करी तुस भी हजूर की नात पढ़ लो, या नबी खूब हुआ खूब हुआ नबी, खूब फरमाया जबरील हाथ के तेरी आई है। हजरात बड़ी तवज्जो नाल बात ज़हन च आ गई है, सुन लो तकरीरां गौर नाल सुनिया करो, शेर के ज़ौक वास्ते पढ़ी दा तकरीर तरतीब और वजाहत का नाम दा, तवज्जो नाल सुनो। छोटे छोटे होंदे सा इन्हां बच्चियां आ उदों दा नूर बशर दा मसला सुनने आ,
ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਮ ਤਨਾਦਲ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਲਮਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੋਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਲਾ ਸਭ 'ਤੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਲਾਮਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਆਖਰਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਇਸਲਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਸਈਦ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈ। ਉਲਮਾ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਲਮ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਮ ਤੱਕ ਕਰੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਘਰ ਕੋਈ ਫੋਤ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਏ। ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਇਸਲਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਅਸਦ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਮ ਤਨਾਦਲ ਕਰੇ। ਬਤਕਾਦਾਏ ਬਸ਼ੀਰ ਸੁਸਤੀ ਕਫਰਤ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਜੰਨਤ 'ਚ ਅੱਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਔਰ ਸ਼ਫਾਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਾਈਓ ਭੈਣੋ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਤੇ ਸਪਾਰਾ ਭਰਨਾਓ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੌਲੀ ਨਵਾਬਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ, ਮੌਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਲਮਾ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਇੱਕ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਤਲੇ ਸਪੀਕਰ ਅੱਠ ਅੱਠ ਨੌ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਣਾ ਨਬੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਸ਼ਰ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਮਸੀਤ ਵਾਲੇ ਨੂਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਹ ਬਸ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬਸ਼ਰ ਨਾ ਮੰਨਦਾ? ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਬਸ਼ਰ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਬਸ਼ਰ ਨੇ, ਬਸ਼ਰ ਵੀ ਨੇ ਨੂਰ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਸ਼ਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਬਸ਼ਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੂਝੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਸ਼ਰ ਨੇ, ਐਸਾ ਬਸ਼ਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਇੰਜ ਵੱਜਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਿਆ ਚਮਕਦਾ ਦੀਵਾਰ। ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਸਿਆਹ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਫੀਆਂ ਸੌਰੀ ਦਾ ਪਿਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇ। ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕੀ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਸੂਈ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਮਰ ਜਾ ਤੂੰ ਬਸ਼ਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਝ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਸਿਰ ਵਹੀ ਦੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਵਹੀ ਦੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਵਹੀ ਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੁਕਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਸ਼ਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਨੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਸਿਰਫ ਨੂਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਨੂਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਬਰੀਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਕਾਹਦਾ ਪਾਇਆ? ਨੂਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਆਦਾ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਕੂਫਵੇਂ ਨੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ਼ਰ ਨੰਬਰ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਪਲ ਸਨ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਹਿਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਧੋਈ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਨੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਸ਼ਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਜੋ ਕਰੋ ਅਜਕਲ ਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਤੇਰੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ। ਲਾਉਣੀ ਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉਮਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ। ਅਮੀਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਮੀਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਰਫ ਰਫ ਰਹਿ ਗਈ, ਬੁਰਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਧਰਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਇੰਜ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ,
सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहि सलाम अर्ज करते ने मेराज की राति, कमली वाले तुसी उत्थे चले हो जिथे मैं भी नहीं जा सकता, ते रब दी बारगाह चो मेरी एक दुआ ते कबूल करा लिया जे, रब दी बारगाह चो मेरी एक दुआ ते कबूल करा लिया जे। जिब्रील नूं ही पता सी रब इहदी नहीं मोड़ना, हैं मोली साहब नूं ते ही पता लगा रब है जी रब, मन्ने भावे ना मन्ने रब हो आके आम सादे बंदे आहो या हरोला कुले शन कदीर अल्लाह है, मन्ने भावे ना मन्ने उस चले नूं ए आखो ए तेरी मेरी दुआ है मन्ने या ना मन्ने, ए उहदा महबूब है ते मुहिब हुंदा है जिहड़ा खुद ख्याल करे खुद मेरा महबूब की चाहुंदा है, फिर उवें करके आप खुश हो गए कि मैं महबूब नू राजी कर लिया है। इसे वास्ते फरमाया जबरीला महबूबा तेरा मौके चुकना वेना पिया, रब ने यह नहीं फरमाया कि नमाज पूरी करी तो वेरा की हूं भाई इधर नहीं इधर मुंह करके नमाज पढ़नी है, फरमाया सुनिया मर्जी तेरी होवे ते महबूब मेरा होवे हूं ही मुंह फेर लै ते काबे वाले जिधर तेरी मर्जी है उतार दो फतरदा ने डाली है बाहें गले में, फतरदा ने डाली है बाहें गले में, कि फतरदा ने डाली है बाहें गले में, कि हो जाए राजी तबीयत किसी की, के हो जाए राजी तबीयत किसी। अल्फाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते ने अजाबत ने चुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़िया करो, जिथे आले का जिक्र ना होया हुज़ूर और दुरूद पसंद नहीं करते, सल्लल्लाहु अलैहि सैयदुल मलाइका दे दे जिब्रील अलैहि सलाम अर्ज़ करदे ने दुआ दित्ती वाली आ हामीम दिया कुंडलां वाली आ सोने आया जी अरशां दा दूल्हा बनिया अज लाड़ा बनिया है लाड़ा, पंजाबी तर्जमा मेरे आला हज़रत ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मेरे आला हज़रत इधर बरेली रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दरू, बरेली दिया ताजदारा तू थां खाली छड़ी ही नहीं, अल्लाह करोड़ा ला मका करोड़ा ला तदाद रहमतां दा नज़ूल फरमाए, आप फरमांदे ने नमज वेखो शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दरूद, नौशाए बज़्मे जन्नत पेला, तीन वारी पढ़ लो नौशाए बज़्मे सौखा नहीं उच्चा उच्चा पढ़ो नौशाए बज़्मे, मेरे आला दे तदीम अल बरकत मुजद्दी नमीलती मां मौलाना शामदर दा एक हो जगह भी फरमांदे ने दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जे मोहब्बत ना सुना जे ते वजाहत करा बोलो, दोनों आलम का दूल्हा आला दे फरमांदे ने अज दूल्हा बन के गए, असी दूल्हा उन्हूं आने जिदन शादी हो गई,
शादी वाले दिन नू दूल्हा पता क्यों कहने हैं, मतलब ओदा भी ये ही है कि अज बण संवर के निकले है, बण फप के निकले है, अगे पिछे भी कोई बंदा सोहना बन के निकले, कटिंग शटिंग ठीक हो, ड्रेस चंगा होते नहीं यार, अच्छे दूल्हा ही लगना पे, मतलब है कि ना खूबसूरत है। हूँ जो तवज्जो ना की ना कि एवं टुर जाना तुम्हें, कुछ नहीं मिलना तेनों, नहीं तो रंब तो लैके जा, जिदा चेहरा वदुहादा हो, जुल्फां वल लैल दियां होण, माज़ागुल बसर दे डोरे होण, अलम नशरा दा सीना होवे, एडा सोहना चेहरा ते कालियां सियाह जुल्फां, सिद्धियां नहीं कुंडलां वालियां, इंज कह लो के एडा सोहना खुदा दी खुदाई च है ही कोई ना, खालिक ने तुझे ऐसा तरहदार बनाया, तवज्जो तवज्जो, यूसुफ को तेरा तालबे दीदार बनाया, एडा सोना एडा सोना एडा सोना, जदों बन संवर के दूल्हा बन के निकलिया होगा, उच्ची नहीं जे बोले तुसी, उच्ची नहीं ना बोलो जी, मैनूं अफसोस पे आउंदा है। देखो मेरी बात सुन, मैं होर मिसाल देना, जिदन बच्चे की शादी होवे ना अल्लाह, तुसी सारे अपने बच्चियां दी खुशियां वेखो, अल्लाह पाक कुल दियां बच्चियां बच्चियां की खैर करे, अल्लाह औलाद का दुख कोई ना वेखो, जिन्हों को नहीं अल्लाह पुत्र देवे लायक, अल्लाह कोई बाप अपनी बेटी वास्ते, कोई भरा भैन वास्ते, कोई नाना दादा दोतरी दोस्तरे वास्ते भी परेशान ना हो, अल्लाह ज़हरा पाक का सदका तियां बच्चियां दे वक्त बुला दो, अल्लाह इन्हां नूं अपने घरां च आबाद रखे, ते नेक सबाब ते हर खुशी नसीब फरमाए। मैं मिसाल देन लगा मसला सा, जिदन होए ना उत्ते कार्ड लिखे जा शादी खाना बादी, की लिखिया जाता है, शादी हो जाती तो फिर शादी शुदा, इसकी शादी चलो अगली गल भी कर देना, पांच चार साल लंघन तो फिर निरे ही शुदा, वो आहो इवें गल है यार, तुहानू भी मननी पैनी है, मैनू भी मननी पैनी है, वड्डे वड्डे ठह गए ने, बाकी छोटे छोटे रह गए ने, पढ़ो ला इला, इन्ना सोहना रब का महबूब के जिदे वर्गा सोहना ही कोई नहीं। हुण मैं तुहानू पुछना, जिदन वो बण संवर के निकलिया, तुसीं देखो ना छब्बियां दिने ते सताई दी रात, छब्बी रजब दिन ते सताई, मतलब ये कि रात भी नेरी, रात भी नेरी, दुनिया नू दसना है कि तुसी चन सूरज दे मुहताज हो, ते जिदे नूर दी चमक नाल चन सूरज बने हो जी, कैसे कैसे उसके गुलाम दुनिया तो आए ने, वो पता की आंदे ने, माहो अंजुमने जो दूल्हे टुर ना, दूल्हे आना केले लाने, झंडियां लाने, मैरिज हाल सजाने, तो बाहर टेंट लाने, तो फिर दरवाजे बनाने, तो लाइटां लाने, तो फिर फुल लैके लोग खलोते होंगे ने, बच्चियां ना खिला रहा करो, गैर मार माण होंगे बुरियां लगदियां ने। अगले दिन भी एक मैं शादी च गया, तो बुरे लगते पेनू, पर मेरा वस नहीं चले, आख मैं छड्डिया, मैं सही आंदा जी, हसण वाली कड़ी गल है, नौजवान बच्चियां छोटियां बच्चियां बरात अपने भी होंगे ने, बगाने भी होंगे ने, कपड़े कुपड़े धियां भैन ने चंगे पाए होंगे, फुल लै को बरात का इस्तकबाल उन्होंने को कराते हो, खुदा का खौफ खाओ, फिर एक होर वेखी रसम, जो निकाह हो जाता जी, दूल्हा घर आना, आले दुआले मुंडे कुड़ियां कट्ठे, हर बंदे को मोबाइल फोटो लांघियां फिरते हैं, तो वह बेच सामने बहा के शिंगार के बाए होंगे ने, कल्या बह के सोची गैरत गुआरा कर दी, बस मैं इन्ना पूछना जी, जी घर दे मन मनना क्यों नहीं, अक नहीं इंजे हो देना, मेरे अजीज बेटे ने पूछो मैं नहीं भाए तो मेरा की बिगड़िया, कमर चु मैं धियां टोरियां ने भी घर जा के जो मनानी जो फोटो इतें ही मना सकते, असं भी शादियां कर ली ना, मेहंदी क्ढी है तेल मेहंदी तो उन्हें हिंदुआ ना रस, निकाह दीन है निकाह सुनत है, हिंदू कितों लैन दे, अल्लाह की कसम जेडे मेरे हड़ने बैठे हो ना, तुम मनोगे हजरत भी मनणगे होर भी मनणगे, भैं धियां
नंगे सिर चाचियां नूं मिलदियां सन। बोलो मरो तो सही हो यार, बोलते क्यों नहीं तुसीं? भरावां नूं नंगे सिर मिलदियां सन। अल्लाह की कसम मैनू गल्लां याद ने, सिर का चलो नहीं, वीर आ गया जे, चाचा आ गया जे, भाई आ गया जे, ताया आ गया जे, मामू आ गया, सिर कज के मिलदियां ने। तो तेरी गैरत जेड़े इंज करदे ने, धी भी होवे, भैण भी होवे, बीवी होवे, मां भी होवे, मोबाइल चलदे होण, पता नहीं कौन कौन फोटो बनांदा है, वह मेहंदी कढ के नचदियां होण, तेरी गैरत कित्थे गई? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ? ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਬਰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਲਹਾਜ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਿਕ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ? ਹਾਏ ਹਾਏ, दूल्हे आने का इंतजाम तो होंगे ना, ये दूल्हा अरशां दा। हुण शेर सुनो, माहो अंजुमने, देखो तखयल वेखो, कहते ना जो तारियां च राह है ना, ये बनाया गया सी अरश दे दूल्हे वास्ते। माहो अंजुमने सरे राह बचाती, माहो बड़े गौर न सुने अज मजा, मैं तो बड़े मजा पे आंदा तुहाडी मर्जी। माहो अंजुमने सरे राह बचा दी आंखें, माहो अंजुमने सरे राह बचा दी आंखें, नाकाए असरा का गुजर आज की रा, के है नाकाए, के है नाकाए असरा का सफर आज की रात, के है नाकाए असरा का सफर, छबिया दे तिसताई दी रात, चन नू गोडा लगा है, रात नेरी है, हे खुदरा दूर दे गुलामां दा तखयल, ओ की आंदा है? ओ आंदा छुपके बैठा है सरे शाम किसी को, तेनू मर जाए वही नहीं फर्क किसी आ, सिर्फ छुपके बैठा है सरे राह, छुपके बैठा है सरे शाम किसी को कोने में, छुपके बैठा है सरे शाम किसी को ने किसी कोने में, क्यों? ताबे नजारा, ताबे नजारा नहीं रखता कमर आज की रात, ऊंचा बोलो, ਛੁਪਕੇ ਬੈਠ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਛੁਪਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਛੁਪਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਮੇਂ, ਤਾਬੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਮਰ ਆ ਜਿਕੀ।
70,000 ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਗਮਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਤਲੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕੌਨੈਨ ਜਲਾਲ ਤੇਰੀ ਫਰਸ਼ ਕਿਆ ਅਰਸ਼ ਪੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਿਹਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖੋ ਕਾਕਸ਼ਾਂ ਜਲਵਾ ਫਸ਼ਾਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾ ਗੁਜ਼ਰ ਆਜ ਕੀ ਰਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣ ਫੱਬ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਏ ਅੱਜ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਇੰਨਾ ਕੂਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੰਨ ਛਿੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੀਕ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਤੋੜ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਥੂਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਥੂਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਈਦ ਉਲ ਮਲਾਇਕ ਕਾਦਰੀ ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦੁਆ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਾਈ ਲਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੈਯਦੁਲ ਮਲਾਇਕਾ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਜੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਰੱਬ ਮੋੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੀਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਜ਼ਰਤ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਜਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿੱਡਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਜੀ ਨਾ ਬੀਵੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬੀ ਡੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪੈ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੋਕ ਬਿਲ ਦੀ 80 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਫਰਮਾਏ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਦੇ ਆ ਜੇ ਲੜੋ ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਪਾਕ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਪਾਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਾਕ ਅਤੇ ਸੈਯਦੁਲ ਮਲਾਇਕਾ ਉਹ ਗਈ ਏ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਾਹਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੂ ਸੁਣੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਇਹ ਮਕਾਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਏ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਦੁਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁਲਸੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਏ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਉਮਤੀ ਪੁਲਸੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਲੰਘਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਛਾ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਜ਼ੀਮ ਵਰਗੇ ਮੁਜੱਦਦ ਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਤ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਅਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜ਼ਬਰੇਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ
पुल से गुजारो के रह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो के रह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो के रह गुजर को खबर न हो। जिब्रील पर बचाए तो पर को खबर न हो, जिब्रील पर बचाए। अच्छा भी जिब्रील का तो साड़ा तलक की है, वो सुन दे हो के सुते हो तो सुन लो, मैं होर आना पे तो सारे सुनने वाले बैठे हैं, अल्लाह तुम जजा दे जो सुनने वाले मैं भी दस दौ, कई तभी तौर पर आते हैं चलो कौन ही गल, मगर बोलोगे तो सरकार भी जिक्र है अल्लाह भी जिक्र है, मगर मैं तकरीर वो फजल न कर ही रहा। जबरील तो साढ़ा की तलक है, हूँ इतनी मिसाल देनी पेगी फिर तुम समझ आएगी। हजरत साहब बैठे ने, तुम बैठे हो, अवस साहब बैठे ने, इतना छोटा जहा मुंडा अल्लाह जिंदगी करे साहब के बच्चों की, मैं उन्हें सर बिस्मिल्लाह कि सोहना वा जी पुत्र है, अल्लाह जिंदगी कि प्यारा बच्चा है, कि हाफजरों में मिलना भी ना तो हाफजरों खुश हो जाना, क्यों मैं वो प्यार करना पाया जिद हावस साहब प्यार कर दिया। जबरील अलैहिस्सलाम नु पता सी अज़ीज़ुन अलैहिमा आने तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रही। जमन वाले हजूर दे गुस्ताख ते छाला मार के लंघ जाणगे मदीने आले दे गुलाम। रोणगे जम्मण वाले लित्तर खाणगे हजूर दे गुलाम लंघणगे, क्यों दूजे पासे रब्बे सलीम उम्मती, रब्बे सलीम उम्मती आला हजरत की आंदे ने इत्थे मेरे अल वेख्या जे फिर समझ आउणी है। आला हजरत अज़ीम उल बरकत मुजद्दिद नू मिल्लत इमाम मौलाना रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सलीम सदाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ने गुस्ताखा ते मुनकर रोना ही और की करना, ओए बाज मुहम्मद तेनु किसे ने छुड़ावना, बाज मुहम्मद तेनु किसे ने छुड़ावना, विच मुसीबत किसे कम नहीं आवना, अज मन ले उना ताई आज ले उनकी पनाह। गल इस वास्ते कीती के सरके ना ते प्यार किसे करना ही नहीं,
लोग इवें चवल प्यार पिछे हजूर को दूर हो गए हो, झूठे प्यार ने, ये उम्मीदा दे प्यार ने, ये मतलब दे प्यार ने, बस समझने की कोशिश करिया जे, ये उम्मीद दे प्यार ने, ये मतलब दे प्यार ने, ये काम नाल प्यार है, मुफाद नाल प्यार है, मुफाद खत्म हो जाए, उम्मीद खत्म हो जाए, काम कोई ना रवे तो भरा भी छड़ जाते जे, रिश्तेदार तो रिश्तेदार पहले नस जाते हैं, उधर परौना ही कोई नहीं आता जिधर चाहिए टुकर ना लभे। खुदा दी कसम सारे प्यार झूठे जे, अल्लाह का प्यार भी सच्चा जे, मदीने वाला भी सच्चा जे, ते मां बाप का औलाद नाल भी सच्चा जे। बाकी च रले ही है इला माशाल्लाह, एहतियातन कह रहे इला माशाल्लाह, एवं ही है जी। गुनागार जो माशर में फरियाद करेंगे, पाजर रहमतुल्लाह का कलाम है। गुनागार जो माशर में फरियाद करेंगे, एक लख ते कई हजार नबी कहेंगे इज़हबूला गैरी, इज़हबूला गैरी, इज़हबूला गैरी। गुनागार जो माशर में फरियाद करेंगे, इतने जवाब ये नहीं होने इज़हबूला गैरी ना। आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे, जेड़े नेक बंदे बैठे हो अमलां नाल पार जाना है उन्हें पढ़िया जे, जिन्हें सरकार दे करम नाल जाना है वो बोले आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार, और सर सजदे में होगा खुल जाएंगी जुल्फें, उम्मत की बख्शिश का इसरार। सोनिया तू क्यों रोए, क्यों तू परेशान, या अल्लाह मेरी उम्मत ऐ अग दे पांबड़े भैया खाते पुलसरात। फरमाया सोनिया तू ना रो, ये कह रो गजब मेरा तेरे मुनकिर के लिए है, ये कह रो गजब मेरा तेरे मुनकिर के लिए है, ये कह रो गजब मेरा तेरे मुनकिर के लिए है, तेरे चाहने वालों से हम प्यार करें, तेरे चाहने। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ ए वे के उम्मती तेरे होन, गुलाम तेरे होन, नौकर तेरे होन, दीवाने तेरे होन, कयामत दा दिन होवे जदों आउण ना उहदे पैरां थले मैं पर बिछा हैं। तेरे ते मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल मिराज उस वक्त को कहते हैं, तेरे ते मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरा तो अगे गए, दो बारी उच्ची भी बोलो सिदरा तो, सिदरा तो। ए उलमा बैठे ने पुछ लो जिन्ना घर तो लैके सिदरा तक सी ना, एक एक कदम नाल इन्ने हजाब उठदे ने, इन्ने कदम नाल, एक एक कदम नाल की को बयान करेगा। ओ ये बात अस्कुदा बुजुर्ग तू एक किस्सा दस, तेरिया सोचन जानिया छोटिया ने, मकामे मुस्तफा बहुत बुलंद है, मेराज ते एक मौज है, मेरे नबी दी ते सात मौज है। सुनो तेरे ते मेरे आका इमाम अलंबिया सैयद अलंबिया नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे ने, हजाब उठ रहे ने, आप जा रहे ने, अचानक आवाज आई कीफिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना रब्बा का युसल्ली, जा बोलो
बर्गर मुंडे खांदे ने उच्ची नकी बोलना तुसी बोलो किफिया मुहम्मद इन्ना रब्बा का युसली किफ ठहर जा रुक जा मेरिया सुनिया रुक जा तेरा रब तेरे ते दरूद पिया भेजदा तेरा रब तेरे ते उची नहीं बोले तेरा रब तेरे ते जेड़े आते ने रब दरूद पढ़ता रजिए नहीं या कुफरिया बात है रब पढ़ता नहीं पढ़ना भी बंदे दी सिफत है ते भुखे रजे रहना भी बंदे दी सिफत है रब अपनी शान के मुताबिक भेजदा है ऐ शेर ना सुनिया करो ना पढ़िया करो जी वो जो लिखने वाले वो जो पढ़ने वाले बाकी जो नात लिखते ने जिंदाबाद सुनने वाले भी सुभान अल्लाह मैनु की इतराज मैं भी तो नात ही पढ़ना पड़ा हैं तवज्जो किफिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रब्बा का युसली सुनो ते ईमान ताज़ा करो ए बोली इंज दी सी आवाज इंज दी सी जिवें तुसी मेरी आवाज सुनो ते पता लगे शौर ही कितने तकरीर करदे ने पए अलामा सजाद साहब तकरीर कर रहे ने पए जी उसामा रिजवी साहब एक कितने तकरीर करदे ने पए इंज आंदे ना आवाज सुन के ये जो आवाज आई ना ते आवाज इंज सी जिवें सदीकी अकबर बोल रहा रज़ी अल्लाह ताला क्यों जी एवं गल किताबां पता लगा ने मकाम सदीकी अकबर की मतलब ए वे कि इत्थे ओहो जिहा फरिश्ता उस आवाज च बोले जिहदी बोली सुन के मेरे महबूब नूं तस्कीन मिले सुकून मिले राहत मिले तो आवाज इको ही सी यारे वार दी आवाज जी सदीके अकबर तेरिया वफावां सन यार पांच वारी पढ़ लो जेडे मरण वाले हो इन्हां च हिम्मत है पढ़ लो जेडे चोखे बर्गर खांदे हो ना पढ़ो सदीके अकबर तेरिया वफावां याद ने सानू याद ने याद ने सदीके अकबर तेरिया वफावां सानू यार दा ना लेन वाले आ सदीके अकबर कायनात मक्के दा ताजर सारा माल कुर्बान करने वाले आ कुनबा कुर्बान करने वाले आ बरादरी कुर्बान करने वाले आ पुत्र नूं आखण वाले आ कदी मेरी तलवार थले आ जांदो तेनू मैं कदी ना छड़दा सदीके अकबर तेरिया वफावां सन यार सदीके अकबर जेड़े पढ़ दियो पै जोर ला दियो सदीके अकबर जो जो तेरे उत्ते बीती तू ते उफ भी नहीं लोग चबला मारे जो जो तेरे उत्ते बीती तू ते उफ भी नहीं कीती ओ सारिया जफावां सानू याद ने जोर ना दोबरी पढ़ लो सदीके अकबर याद ने सदीके अकबर रब ने फरिश्ता इस आवाज पैदा किया मकाम है हजरत सदीके अकबर
ਜਦੋਂ ਆਕਿਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕਿਆ, ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹਾਫਸਾ ਮਾਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਸੱਦ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੱਦ ਮਾਰਿਆ, ਉਦਨੋ ਯਾ ਖੈਰਲ ਬਰੀਆ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਪੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਠਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਆ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਆ ਜਾ। ਬਸ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕਹਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਸੋਹਣਿਆ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਰੁਕੇ ਸ਼ਾਹ ਪਰਦੇਸ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰੁਕੇ ਸ਼ਾਹ ਪਰਦੇਸ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪਰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਤੁਝ ਸੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਤੁਝ ਸੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਦੇ ਮੈਂ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਣੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਰ ਗਾ ਜਾ, ਹੋਰ ਗਾ ਜਾ, ਸੁਮਦਨਾ ਫਾਦਾ ਦੱਲਾ ਫਕਾ ਨਾ ਤਾਬਾ ਕੋਸੈਨ। ਕਮਾਨ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਸੁਮਦਨਾ ਫਤਾ ਦੱਲਾ ਫਕਾ ਨਾ ਕਾਬਾ ਕੋਸੈਨ, ਕਾਬਾ ਕੋਸੈਨ, ਕਾਬਾ ਕੋਸੈਨ, ਕਾਬਾ ਕੋ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਕਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੱਦ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੁਮਦਨਾ ਫਤਾ ਦੱਲਾ ਫਕਾ ਨਾ ਕਾਬਾ ਕੋਸੈਨ, ਔ ਅਦਨਾ ਔ ਅਦਨਾ, ਹੱਦ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਦਨੂੰ ਮਿੰਨੀ, ਉਦਨੂੰ ਮਿੰਨੀ, ਉਦਨੂੰ ਮਿੰਨੀ, ਉਦਨੂੰ ਮਿੰਨੀ, ਉਦਨੂੰ ਮਿੰਨੀ, ਉਦਨੂੰ ਮਿੰਨੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਜੇ ਕੋਸੈਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੇਰਾਜ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਸੈਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੇਰਾਜ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਸੈਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਕੋਸੈਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਮਹਿਰਾਜ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਅਬਰੂ ਮਿਲੇ, ਦੋ ਅਬਰੂ ਮਿਲੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੇ ਤੋ ਰੱਬੀ
आसानी सूरत। मेराज उस वक्त को कहते हैं, मेराज उस घड़ी को कहते हैं, मेराज उस लम्हे को कहते हैं जब सामने जलवाए खुदा। ते मैं इंज पता क्यों कीता सी, आला बेलवी रहमतुल्लाह फरमांदे ने उसी के जलवे उसी से मिल। एक जगह फरमांदे ने आला बेलवी रहमतुल्लाह ले जन्म के बिछड़े गले मिले थे। कौसैन मैं वजात नहीं करनी है दी, कौसैन मिल गए मेराज हो गई। आज की गुफ्तगू की आखिरी बात सुन लो, एक घंटा डेढ़ घंटा हो गया दिल से मेरा घंटा सवा करने की पता नहीं आ हावज मोहम्मद मकबूल साहब पढ़ देने पर इन्हों की मुहब्बत भी हो सकती है पढ़ा पढ़ना सी वो मैं बड़ा जरूरी बयान करना एक दो मिनट तुसी गौर न सुन लो जिथे मैं बल्कि उलमा की खिदमत बल्कि मैं हुसने जाने बयान करते हैं मेरे को चंगा करते हैं मगर फिर भी अगर तू रह जाता तो मैं करना जिते वाक्य मेराज बयान कर रहे हो ना यह दो त्रै रवायत भी बयान करो ये भी मेराज का हिस्सा है। सरकार फरमाते ने मैं कुछ लोग वेखे मर्द औरत उन्होंने सिर से फरिश्ते पत्थर मार देने सिर से पत्थर मार देने तो फिंजरा बन बन उड़द सिर मगज हड्डियां चूर चूर फिस जाती निशान मिट जाता फिर जुड़द फिर जुड़द चीखो पुकारे अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन ने फरमाया बेनमाज जेडे सराहणियां ते सिर रख के सुते रहिंदे सन ते उन्हां फर्ज ही पूरे नहीं किए। बच्चा चुप करके सुन बेटा चुप कर ऐ जे उन्हां दा हाल अगे चलो। फरमाया कुछ मर्द ते औरतां वेखियां एक पासे गलिया सड़िया पीप बदबूदार खाने पै ने एक लुकमा खांदे ने ते आंदरा भी चीर के बाहर कट छड़दे जी जे ओ पानी वाल भज के जांदे ने ते ओ वड वड के अरशे अंदरों बाहर सुट देंदे अर्ज़ कीती या सुनाओ दूजे पासे हलाल तैयब ताहिर खुशबूदार खाने जन्नत दे खांदे ने बीबियां औरतां अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह सल्लम कौन सन फरमाया जानी औरतां ते जानी मर्द ओ बेगैरत औरतां ते मर्द ने जेड़े गैर हराम सन जेड़ियां गैर औरतां नूं बिस्तर दा जीनत बनांदी ओ बेगैरत औरतां जेड़ियां ओ गैर मर्द दी जीनत बनदियां ने पईआं अपने हलाल तैयब शोर ते बीवियां छड के अज अल्लाह दा अज़ाब इन्हां नूं पछाण वाला कोई नहीं अल्लाह सच्ची तौबा करन दी तौफीक अता फरमा मैं तो समझ नहीं आती सर तौबा करनी कदों है वो वेला नहीं है जो आया ही तौबा करिए सोचो तो सही यार ए देखो जरा ए गिलास फड़ाई ए मैं गिलास फड़िया ए मैं देता अल्लाह करम ना करे तो मैं गिलास फड़ नहीं सकता ए तुहाडी मेरी सारी दुनिया की औकात है वे अल्लाह फजल ना फरमाए मैं दूजा लफज नहीं कह सकता। अज मुफ्ती इकबाल साहब रहमतुल्लाह दिने तकरीर की है नारोवालू शरीफ से आके गड्डी बैठे ने अटैक हो गया आज साड़ी एक दम दी खेड़े मियां वारस रब कर बेवारस ए दसा चलता पर मैं शाह जी हाँ ये उस्ताद उलमा ने कारी ने हाफज ने खतीब ने मुफ्ती ने कुछ चौधरी है कुछ चीमा चट्ठा फिर कताड़ भट्टी अंडा वट्टू बड़ाया चे कुछ सैयद है कुछ पीर है एवं ही है सह निकल जाए सुनो मेरी गल अब सब एक मिनट ठहरो सह निकल जाए तुसी मेरे चौके सियाने बैठे हो कोई नहीं आके पुछता शाह और कितने ने किसी नहीं पुछना मौलाना कितने ने कारी साहब कितने ने खतीब साहब कितने ने मुफ्ती साहब कितने ने चीमा चट्ठा फिर कताड़ एम एन ए एम पी एस नहीं तुसी मेरे नाल सियाने लोग बैठे हो लोग पुछते ने मैयत तैयार है रब कर बेवारस
सौ बंदा कट लो अस्सियां ते दादा नहीं वेख्या कदों तौबा करनी है कदों रब को डरना है असां अल्लाह माफ करे जो तौबा का दरवाजा ही बंद हो जाना कुगू बज जाना अल्लाह ताला सच्ची तौबा करके ते रब को डर के जिंदगी बसर करने की तौफीक सुनो दू तिना अमलों का कट्ठा खुलासा बयान कर देना बात लंबी ना हो जाए बच्चों की दस्तार भी होनी है एडे एडे ढेड उस ढेड के नाल पेट ना टुर नहीं सकते ते वेच जरीले कीड़े थूआं मार देने डंग फट जाते चीखो पुकार अग मैं मुश्तरका जी बात कर लगा सारे की एक होर वैत वर्क में छड़न लगा ये कौन ने शराब पीने वाले सूद खाने वाले हराम खाने वाले रिश्वत लेने वाले ठगियां करने वाले लोगों के हक खाने वाले बिलियो जिन्हें भी पैसे कमा लो ना तुसा खाने ना हंडाने जिन्हें मैं मैनू रब दिते ने आ कपड़े पाले रोटी खा ली छड़ के ही जाने तो बाला मंड लेने ने फर्ज करो मेरी अगला ना माफ करे मेरी रला मेरी मेरा रिजक हराम है पहली तो बेबरकती है वे हराम रिजक पखा के हराम पैसे दे कपड़े लवोगे नम उजर उची बोलिया जी मेहरबानी नमाज कबूल है तुसी बोलो नमाज कबूल है हराम दिया पैसे हज करन जाओ कबूल है उमरे करो कबूल है कुरबानियाँ देवो पंजी नहीं पंजी सौ बकरा कबूल है जकात दो कबूल है खैरात करो कबूल है हस्पताल मसीत बना दो पैसों की कबूल है ऐ जे राम मेरी सकती तसीर पता नहीं दुनिया पागल क्यों हो गई नंबर दो मैं दस लख नहीं दस अरब भी कमा ला दस करोड़ नहीं दस अरब भी मैं ना खा लेना मैं मर जाना मेरे बाला मंडना है तो बाला करन मौजा असी कबर च खाइए लित्र इस वास्ते कमाना पाया हजरात मेरा मतलब उत्ते तवज्जो करा चौकीदार है ना ओका देना पे की करने नहीं हो पैसे दौड़ लगी है तुहाडा नाम की है हाफज मुहम्मद उस्मान हाफज मुहम्मद उस्मान थोड़ा उच्ची बोलिया जे हाफज मुहम्मद उस्मान सानू रब ने 1000 रुपया देना है केड़ा कंजर 1000 एक कर देगा इन्हू केड़ा कंजर 1 रुपया कटा सकता है तुम तो जहल पीरों को जाते हो साडा कारोबार बंद हो गया साडी सूह बंद हो गई साडा आ हो गया वो जो करने वाले बेवकूफ फराडिए अपनी आखरत बर्बाद करने वाले जो तेरे नसीबा च मिलना तेनू हराम खा लै ता भी आधार ही आ फर्ज करो अगर आधार है तो हलाल की राह लेंगा ता भी आधार है जलील होकर आएगा ता भी आधार है इज्जत ना लेगा ता भी आधार है गल झूठी है कि सच्ची है उच्ची बोलो फिर यार क्यों हराम खाने वो रब तेन हलाल की राह दे क्यों जलील होंगे तो छड़ जाने इतने कफर नू जेब कोई नहीं ये रब पैसे दिते नहीं तो जन्नत ले लै मिल जाती है पैसों नाल भी समाने गनी भी ली सी कई लोगों ली है आखिरी गल ए सरकार ने फरमाया मैं कुछ औरतां ये भी मिराज है ये भी मिराज है कुछ औरतां वाला नाल पुठियां टंगियां वेखियां आखो ना अस्तगफिरुल्लाह नेक नेक बंदे ना आखो मैं तो गुनाहगार आखना अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी अस्तगफिरुल्लाह कह लो ये हदीस है किसे कहानियां नहीं उलमा नूं पुछ लै ये भी मेराज है लिनूरियाहू मिन्ना या किन्ना इंज कह लो ते अग दियां गुरजां ते अग दा अज़ाब जिस्म दाखल हो रहा है चीखो पुकारे अर्ज कीती या रसूल अल्लाह सल्लम ओ कौन सन फरमाया गैर महरमा को परदे ना करन वालियां मैं ते स्टेजां ते कह रहा बेटी बड़ी प्यारी है ते परदा करा जे बीवी तेनू बड़ा वफादार है बीवी दा तो ते परदा करा जे मैं ने मां ने कदम चुमना है भैन बड़ी लड़ लिया तो उन्होंने ना दुश्मनी कर वो इन्ने मेरे बुजुर्ग बच्चे भाई आ जैसे बैठे उच्ची बोलिया जे मुसलमान औरत ते परदा फर्ज है कि नहीं जेड़े नहीं बोले उन्होंने ईमान नहीं है कि नहीं किन्ने किन्ने फर्ज किया
अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ने नहीं जे मननी अल्लाह रसूल दी ना मनोगे ते हाल होगा जे करान जिन्हें नहीं कराया क्योंकि हाकम दा मर्द करदा ना आखे लगो ते आख छड़ो सख्ती नाल अगो आखो भाई तू फिर जिम्मेदार है मैं अपना कदा कर छड़िया मुसलमान मर्द मरे ते कफन दे तीन कपड़े ने मुसलमान औरत मरे ते कफन दे पांच कपड़े ने मोई ते पर्दा कर लैना आना भी गैर मंजी नू हाथ ना लाए जिंदी नू भी साम लै ना दुश्मनी कर बेटी नाल ना दुश्मनी कर भैन नाल ना दुश्मनी कर बीवी नाल ना दुश्मनी कर मां नाल बल्कि मैं अपने तुहाडे बच्चियां बाईयां बजुर्गां दी खिदमत अर्ज करांगा सब तो मेला सलाम दे आदे जाके अगर मेरी बेटी है उन वाको शाह जी तेनू प्यार वाला सलाम देंदे ने जे मेरी भैणा जैसे ही है मावा जैसे ही है अदबन मैं सलाम मेरा अर्ज करिया जे तुहानू भी सुहाव होएगा जाके उन्हां नू दस्सिया जे बीबी आ जिहड़ियां सड़कां ते नारे मार दियां नहीं पईयां मेरा जिसम मेरी मर्जी है वकाऊ माली ये यहूदियां दे एजेंट नहीं ये बैन अल-अक़वामी साजिश इस्लाम के खिलाफ इन्हें कोल मुतसर नहीं 14 फरवरी आ गई है बगैरती दिन तहा हो जानी है ये मुहब्बत नूं टोकन लवांदे हो तू किसे को टोकन लवाना पिया वेखी तेरी भैन नूं कोई टोकन ना देंदा होवे तेरी बेटी नूं कोई टोकन ना देंदा होवे सालमो शर्म नहीं आती यहूदियां दे दिन मनांदे हो हिंदुआं दे दिन मनांदे हो तनू कबर याद नहीं अजर याद नहीं जे तू मुहब्बत दा टोकन लवांदा घर पता करी उत्थे ना कोई खून दियां छिट्टां दा खाता आ गया होवे उत्थे कोई फुल ना आ गया होवे जो करके जाओगे भरना जे तो खुदा दा खौफ खाओ मुसलमान असी बगैरती दी इंतहा हो गई सारा सारा दिन फुल मुक जांदे ने फुल पेश करन च मैनूं कोई इतराद नहीं इस रस्म नाल उस बगैरत दे दिन मनांदे हो ओह अजे मौलवी मिलाद तो डकदे हो इन्हां दिनां तो डको कितें दौड़ां लवांदे हो यहूदियां दीआं नसमां कितें बसंत मनांदे हो तुहानूं पता ही नहीं बसंत कौन की है राय हकीकत दा दिन जिन्हें हजूर नूं गालां कढ़ियां इहनूं सजाए मौत ही बावे दी मड़ी लाहौरी नूं साड़िया गया वो यार तुहाडे कोल हज़रत मुजद्दी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हां रसाले च बकायदा मजमून लिखिया सी अखबारां दे छपे इतवां नहीं पढ़िया पर तुसीं इहो जिहा पढ़ो ते तां है ना तुसां रसाले भी मैगजीन लै जाए जिते गुलूकारां दीआं अदाकारां ड्रामे दी फोटो होण है जी किताबां कर खड़ो और मेरा पैगाम देना मेरी बेटी मेरी माँ मेरी भैन नूं मेरी बेटी मेरी माँ मेरी भैन इन्हां ड्रामे करन वालियां तूं मुतसर ना हो जाई इस सड़कां ते आने वाली मुतसर ना हो जाई कदी मां दी रूप च पैसे वट लैंदियां ने ड्रामिया च कदी बेटी ते कदी भैन दी रूप च वेखदियां ने कदी साबण दी टिक्की दी मशहूरी च वेखदियां ने टाफी ते वेख जांदियां ने चाय दी पत्ती दी मशहूरी ते कमर नूं बल दिंदियां ने कदी आ लॉन ते कपड़े दे लहरांदियां ने ते बांध चुक लैंदियां ने अल्लाह इन्हां नूं हिदायत देवे मेरी बेटी मेरी मां मेरी भैन मैनू रब की इज्जत की कसम तेरी इज्जत भी जहरा की गुलामी चे तेरी नजात भी सैयदा जहरा की गुलामी बचेगी तेनू पता ही नहीं दीने इस्लाम दा दीने इस्लाम तो निकल गई ते पढ़ी अखबार है तू पढ़ी अखबार जी नहीं करी सीयत नहीं तेरे ते मुल पैंदे सन वड्डा भरा चादर रख के मां नूं सांभ लैंदा सी तू ते पेट बकरी तरह विकदी से तेनू ते जिंदा दरकौर कीता जांदा सी दीने मुस्तफा ने फरमाया है मां दे कदमां थल्ले जन्नत है दीने मुस्तफा ने फरमाया जेड़ा तीन बेटियां दी तलीम दे के अच्छी शादी करे ओदी जन्नत दा जिम्मेदार मैं वां अज़ कीती या सुला दियां दो होण फरमाया ओदा भी फरमाया जी दी एक धी होवे फरमाया ओदा भी अर्ज कीती या सुला जी दी कोई ना होवे फरमाया जी दा कोई नहीं ओदा भी मैं ही हां ए भी मेरा सुनो कईआं बंदियां कोल पैसा आए ते आखरी चुक लैंदे ने आखर ना चुको साडी औकात कोई नहीं रब ना चाहे ते असीं उठ नहीं सकदे भावें मजदूर है ते भावें वज़ीर-ए-आज़म है
है ही साड़ी औकात है। अल्लाह पाक तुहानू ते मैनू अमल करन दी तौफीकता फरमाए। मैं संग पाड़ पाड़ तकरीरां पिया करना, खुद हराम खादा ना, ते मैनू लित्तर चोखे पैने ने बगैर तां लोकां नूं वादा सुनांदा रहा। आप अरशे रगड़ गए, जे तू ख्याल ना किता ते फिर पछताएगा। इन्नी कु थां है, एडी कु लंबी है, चंद घंटे को नहीं जे रखदा। आ गए हो, कबर तैयार है, चुको। उधर मंजी चुकी जांदी, उधर रोटी खुल जांदी है। तुसीं ते सियाणे बैठे हो, आ मेरा पुत्र आसमाबाद दा बैठा पट्ठे वाला, इहनूं पुछो साडे वाल ते मंजी चुकी जाए, रोटी नहीं खुलदी, बंदे ही खुल जांदे जी। पर यात ही हसदे रहिंदे ने कबर विच, चंद रह जांदे उसले। हुण ते लोक घर आउंदे नहीं, किन्ने वजे जनाजा है। फिर अंग्रेज जी आया नहीं, लेट कर छड़िया ने, इंज किया, ओ गए जी। इंजी गल ही है, किसे नाल वफा नहीं कीती इस दुनिया बे इतबारी, एथे किसे ते पैर नहीं लगे, सब टुर गए वारी वारी। बंदिया डर जा अज अल्लाह तो, नीचे रोसे टुर गई वारी। जे सौ साल रवे विच दुनिया उड़क नू टुर जा, वखरा होना ये सारा ताना बाना। बंदिया कर ले याद अल्लाह नू, तेरा होने ही गोर ठिका, किथे गए नी चुबारियां वाले, कुली पाकेरा कापी लिया जे। इन्हां सारिया बच्चियां ने पुराने पाक नादरा पढ़िया, माशाल्लाह। यह तुहाडी मस्जिद दे खतीब ने, मैं खुशामद कदी नहीं कीती, बड़ा आकड़ सा बंदा मैं, मगर सच्ची गल मैं उलमा नाल मैनूं अकीदत है। उलमा जिवें पीरां तों नफरत करना ना, इवें औलिया अल्लाह नाल प्यार कर। मैं औलिया अल्लाह उन्हां नूं मानना जिहड़ा आलमे दीन बा अमल होवे। आ जिहड़ा प्यो मर गया, पुत्र बह गया, पुत्र मर गया, पोतरा बह गया, फिर वलायत विरासत च नहीं मिलदी, वलायत मदीने वाले की गुलामी च मिलदी। इत्थे खतीब ने ते पढ़ांदा कौन है कुरान पाक, इत्थे कारी साहब, कारी मुहम्मद अंसर साहब। ये 14 बच्चे ने जिन्हां कुरान पाक इस मस्जिद अंदर नादरा पढ़िया। पढ़ाण वाले भी खुश नसीब ने, जिन्हां दे बाल पढ़े ने वह भी खुश नसीब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप मर गया है, वसीयत कर गया है, बीवी हिरस नाले, हां मिला है करमाली है, मेरा वक्त आखरी आ रहा है, धी होवे पुत्र होवे मेरी वसीयत याद रखी, मेरे बच्चे नू कुरान पढ़ा दे। ओ गुनाहगार नू कबर च अज़ाब हो रहा, अल्लाह ने पुत्र दिता 2-2.5 साल दवाया, तुतली जुबान ना गल्लां करन लगा, बीवी नेक सी, फड़ के लै गई, कारी जी हजरत जी मेरे बच्चे नू कुरान पढ़ाओ। बाप नू कबर च अज़ाब हो रहा, कारी साहब फरमाते हैं कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टूटे फुटे लफ्जा नाल बिस्मिल्ला पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ने फरमाया फरिश्तो इहदे बाप दी अजाब दूर कर दियो, इहदी कबर नूं ठंडियां हवावां जन्नत दियां दे दियो। या अल्लाह केड़ा अमल पसंद आ गया?
फरमाया ये बेत अमल कोई नहीं जिदा छोटा जिहा बच्चा इन्हां सिफतां नाल याद पिया करदा है मेरी रहमत गवारा नहीं करदी जावे दे सदके दे प्यो नूं। स्कूल भी पढ़ाया करो पर जो मर गए उत्थे ये नहीं जाना सारे हाई ला हेलो बॉयज एंड गर्ल्स फर्स्ट क्लास इंग्लिश बुक टू ये वाले दा सुआ मेरी अम्मा नूं बिल जे कोई पढ़ाए मरेगा तो कोई पढ़ लेंगे ना। खुश नसीब ने जेडे पढ़ाते हैं खुदा दी कसम करोड़ां पति मुंडे में वेखने लखां पति गड्डियां मिलियां मकान मिले उंदा कख नहीं कि मां बाप वास्ते दुआ ही कर लें। ऐसे लोग है जे इतिहासां वल बैठे हां कि उदों दी गल है जदों 2D 14 लाख दी आउंदी सी हुण ते अग लग गई गड्डियां नूं मैं माड़ी च लई है हुण लई सी 40.5 लाख दी तो हुण दस दिन कोल 43 दी हो गई पता नहीं इहनूं 43 लाख दा लगा की है छोटी जी गड्डी मिली माड़े आई होर कितों पेट्रोल पूरे करिए 3 पंप फिरीए तां तेल लभदा तरले कर करके कोई आंदा 1000 दा पवा लो उमर उमर ने सद्या फिर पहुंचना पिया सी अल्लाह दे फज़ल नाल। खुश नसीब हो जिन्हां दे बच्चे कुरान पढ़ते हो मस्जिदां आबाद करो तुहाडे घर आबाद हो जाणगे।